हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आप सब लोग गाइस उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे हैं खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे वीवर्स आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखेंगे आपके पर्सन के करंट थॉट करंट फीलिंग्स करंट एनर्जी क्या है सो so, एक जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो समाइम पॉसिबल है येस कि रीडिंग हंड्रेड भी रेजोनेट कर जाती है समटाइम ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं सो so, लेट्स से आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या आ रहा है राइट नाउ प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे वीवर्स के पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है मेरे वीवर्स के पर्सन राइट नाउ किस एनर्जी में है डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं वो राइट नाउ किस एनर्जी में है गजब wow. गजब हाँ सच में गजब है बिल्कुल है अभी मैं आपको बताऊंगी प्लीज यूनिवर्स एंजर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग राइट नाउ की मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग डिवाइन एंजल राइट नाउ की प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनके लिए क्या फील कर रहे हैं फाइव ऑफ सोड ओके फर्स्ट कार्ड आता है नाइन ऑफ सोड का सिक्स ऑफ पेंटिकल का देंग हैंगमैन पेज ऑफ कप्स पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें फाइव ऑफ पेंटिकल बॉटम से है फोर ऑफ पेंटिकल के एनर्जी मैं कुछ और भी कार्ड्स निकालूंगी आपको लगेगा बहुत कार्ड निकाल रही हैं क्या चक्कर है चक्कर है अभी दिखा दूँगी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें

तो वीवर देखो सबसे पहले आपके जो पर्सन है ना वो इस वक्त आपको लेके बड़े परेशान है भाई बहुत ज़्यादा परेशान है आपने उनकी लाइफ में क्या किया है ऐसा जिससे वो इतने दुखी नज़र आ रहे हैं दुखी क्या कहूँ टेंशन में नज़र आ रहे हैं दुखी से ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे इस व्यक्ति को कि यार ये हो क्या रहा है जस्ट अपोजिट हो गया बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के जस्ट अपोजिट हो गया है ठीक है तो इस वक्त आपकी जो एनर्जी आई ना वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की आई है यानी कि आप इस समय ऐसी पावर दिखा रहे हो अपने पर्सन को जो आपने कभी नहीं दिखाई है एक ऐसा रूप दिखा रहे हो जो आपने कभी नहीं दिखाया है एक ऐसा व्यक्ति बन के आपने दिखा दिया जो आपके पर्सन की उम्मीदों से परे है ठीक है जैसे जिसमें बहुत बहुत हिम्मत है बहुत ताकत है वो कुछ भी कर सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति बन के दिखा रहे हो आप कह रहे हो कि मैं अपने हक के लिए लड़ना जानती हूँ मैं अपने रिश्ते के लिए लड़ना जानती हूं मेरा हक मुझे देना ही पड़ेगा आप भीख नहीं मांग रहे हो आप कह रहे हो आपको देना ही पड़ेगा आप सामने वाले पर्सन पर प्रेशर बना रहे हो किसी ना किसी तरीके से जैसे आप उनको मजबूर कर रहे हो इस तरह के अनर्जीज में आप नजर आ रहे हो जहां पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार ये व्यक्ति पता नहीं अब कौन सा स्टेप ले ले पता नहीं क्या कर जाए मेरे खिलाफ क्या कर जाए उनको आपने फाइटर की एनर्जी में ला खड़ा कर दिया है जहां पर आपके पर्सन व्यवसर्स आप ही से हुए और अपने अपनी अपनी एनर्जी को जैसे कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है ठीक है वो व्यक्ति आपसे डरा हुआ है और आपके एक्शन के लिए अपने आप को रेडी रख रहा है ये एनर्जीज में आया है ठीक है अब आपको लगेगा कि यार हमसे बात रेजोनेट नहीं हो रही तो नहीं हो रही व्यूवर्स तो इसमें देखो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो एनर्जीज आएगी मैं आपको वही बताऊंगी आपके पर्सन को आपने या तो हड़काया है किसी वजह से आपने कोई धमकी दी है कुछ करके दिखाया है कोई एक्शन लिया है कुछ भी हो सकता है इनको डर लग रहा है या फिर आपने कुछ भी को ही हो सकता धमकी दी हो लेकिन उसको धमकी में भी एक तरह का रुआब नज़र आ रहा है आपकी पर्सनालिटी में एक तरह का रुआब नज़र आ रहा है कि अब आप इस पर्सन के सामने ना तो गिड़गड़ा रहे हो ना रो रहे हो ना मतलब भीख वाली एनर्जी में नहीं हो कि यार तुम मुझे दे दो मुझे प्यार कर लो मुझे मेरे साथ में रिश्ता रख लो आप कह रहे हो रखना ही पड़ेगा आप कह रहे हो बच नहीं सकते मेरे साथ में जो तुमने किया है वो तुम से बच नहीं सकते तुम मुंह नहीं छुपा सकते तुम्हें भाग नहीं सकते जैसे आप पकड़ पकड़ के वापस ला रहे हो कि लड़ो अगर तुम्हें हिम्मत है तो लड़के दिखाओ अब अब मैं कमजोर नहीं हूँ ठीक है आप इस तरह के नजिस में हो आप कह रहे हो कि मेरे साथ में अगर कर गलत करके तुम सोच रहे हो बच जाओगे तो भाई ऐसा नहीं हो सकता ठीक है आप ऐसा दिखा रहे हो कि कह रहे हो कि मेरे साथ में अगर तुम सोच रहे हो गलत करके भाग जाओगे और कहीं अपनी लाइफ आसानी से जी लोगे अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे तो ऐसा हो नहीं सकता ऐसा आप इस व्यक्ति को फील करा रहे हो यानी कुछ ना कुछ तो आपने अपने हक के लिए विवर्स यहाँ पर मांगा है ठीक है ऐसा नज़र आ रहा है भाई एनर्जीज में आया है कोई कुछ बैटल हुई है कुछ फाइट हुई है किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है किसी तरह का कोई रफ एंड टफ टाइम आप दोनों के बीच में आया है जिससे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ गया यार कि इनके सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो आपने ले ली है जैसे इनको एकदम से वीक कर दिया इनके सारी की सारी जैसे कह सकते हैं ना जिसकी ऐसा मान सकते हैं कि जैसे किसी की पावर ही किसी से छीन लेना आपने इस व्यक्ति को ऐसा दिखा दिया कि यार अब तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं अगर कर सको तो कर लो जैसे आप इस व्यक्ति को ना ऐसा ही फील करा रहे हो तो आप दोनों के बीच में या तो कोई तगड़ी आर्ग्यूमेंट हुई है किसी बात को लेके बहस हुई है कुछ हुआ तो जरूर है और इस वजह से भी या तो आपने कोई एक्शन लिया है ऐसा जिससे ये व्यक्ति अपने आप को हारा हुआ और कमज़ोर यस कमज़ोर सा महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं तो कोई बात आपकी या तो बुरी लग गई व्यवर्स इस व्यक्ति को और ये व्यक्ति उस बात की वजह से ना मतलब ऐसी पोजिशन में आ गए कि ये ना तो ये के हैं ना वो धर के हैं ना वो उगल पा रहे ना वो निगल पा रहे एक ऐसी मतलब पोजिशन आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी एक ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है कि अब इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ठीक है जैसे कहते हैं ना दिमाग भाई हो सकता है बहुत एक्टिव हो इस व्यक्ति का लेकिन राइट ना हो तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है इनको क्या लग रहा है जैसे चारों तरफ से ये व्यक्ति फंस गया है चारों तरफ से राइट अब ये चारों तरफ से फंस गए हैं तो किसी से मदद भी मांग रहे हैं तो मदद नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को अब वीवर्स कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी आई है मैं भी कुछ लोगों से बात रह सुने तो मैं भी हर एक से ना हो क्योंकि मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे या तो आपने कुछ ये व्यक्ति आपको कुछ फाइनेंशियली मैनुपलेट करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये है एनर्जीज में आया देखो वही मैं आपको बता रही हूँ आप कहोगे कि सच में कुछ ऐसा हाँ ऐसा है हो सकता है व्यूवर्स कुछ फाइनेंशियली आप लोगों के बीच में फाइनेंस को लेके कुछ बात हुई हो पैसे वैसे को लेके ऐसा नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति को या तो ऐसा लगा था कि आपको पैसा देंगे ठीक है तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी या इनको पैसा आप इनसे मांग रहे हो जैसे कि हो सकता है भी मेंटेनेंस मांग रहे हो किसी तरह का मेंटेनेंस जैसे कि होता नहीं कोर्ट केस वगैरह कर दिया जाता तो मेंटेनेंस हो जाता है कि हाँ भी मेरा खर्चा दो ऐसा कुछ हो जाता है या इनको ऐसा आपको कुछ आ, देना पड़ेगा ऐसा नजर आ रहा है आपने इनको कभी मदद की है उनको वापस देना पड़ेगा आपको लेकिन कुछ पैसों को लेकर लेन देन हो सकता है ऐसा है वेवर्स और दूसरा तो यहाँ पर हक़ को लेकर बात तो हो ही रही है अभी व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन है वेवर्स जहाँ पर आपके साथ में ये चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं इमोशंस के थ्रू यानी वो आपको अपना प्यार दिखाना चाहते तो उस प्यार पर आप आपको डाउट है उस प्यार पर आपको ट्रस्ट नहीं है ठीक है अब आप कह रहे हो कि यार इस व्यक्ति वे, के मैं प्यार पर ट्रस्ट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता क्योंकि ये व्यक्ति झूठा है या ये व्यक्ति पे मतलब कहीं ना कहीं ये जो इस समय दिखा रहा ना ये डर की वजह से दिखा रहा है इसके मन में डर है इसीलिए व्यक्ति मेरे पास में आ रहा है या आना चाहता है कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स आपके पर्सन जैसे आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि देखो ये सिचुएशन है मेरी या फिर मेरी हालात ऐसे नहीं है कहीं ना कहीं जैसे अपनी अपनी प्रॉब्लम का आपको एक दुहाई से देते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं जैसे कह रहे हैं कि यार प्लीज़ अंडरस्टैंड में मेरी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है तुमने ये क्या कर दिया तुम तुम मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी या बहुत प्यार करते थे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही है ठीक है तो यस मैं व्यूवर्स देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है आपके नजर से इससे में कहीं ना कहीं बहुत 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 डरे हुए हैं अब डरे हुए वीवर्स है आप चाहे आपने कोई भी एक्शन लिया हो चाहे वो आपकी खामोशी ही क्यों ना हो पर वो भी इस व्यक्ति को डरा रही मैं आपको बात बता दूँ वो लीगल एक्शन के नजीक आईज मुझे यहाँ पर बहुत मिल रही क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रॉम योर साइड यू वी हैव जस्टिस ठीक है हमें मिला है जस्टिस का कार्ड और जस्टिस का कार्ड दिखाता है बात करता है हक की बात करता है न्याय की बात करता है कि इक्वालिटी की हाँ भाई ये चीज़ें होनी चाहिए ठीक है तो सच और झूठ की ये सब चीज़ें होती है तो जस्टिस यहाँ पर आप मांग रहे हो आप चाह रहे हो आप हक से छीन रहे हो तो यहाँ पर वो चीज़ें नजर आ रही कि आ आपकी नजर में जस्टिस आया है और जस्टिस आया बिकॉज योर बिकॉज योर कनेक्शन ठीक है क्योंकि आपने अपने कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है इस पर्सन के साथ में इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है आप कह रहे हो कि यार मैंने इतना कुछ किया है तुम्हारे लिए तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है तो यस व्यूवर्स आप अपना एक्शन ले तो चुके हो अपनी तरफ से ऐसा नज़र आ रहा है अब आप वेट कर रहे हो कि यार वहां से क्या एक्शन आएगा ठीक है यस आपने एक्शन लिया है व्यवर्स कहीं ना कहीं ये चीजें नज़र आ रही है कि आप एक वेटिंग टाइम में हो देख रहे हो कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा सो आप वेट एंड वॉच की स्थिति में मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो आपको नहीं पता कि सामने वाला क्या एक्शन लेगा आप आपके पर्सन की स्थिति मैं आपको बता रही हूँ कि भाई वो व्यक्ति डरा हुआ बहुत बहुत ज़्यादा चाहे वो मेल हो फीमेल हो बट यस अगर उसने भी कोई एक्शन लिया है ना वीवर्स तो वो भी डरा हुआ है कि यार इसका रिवर्स काउंटर मुझे देखने को ना मिल जाए क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वीवर्स वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं ख़ुद भी परेशान बहुत ज़्यादा है स्पेशली फ्रॉम योर साइड जो भी कोई एक्शन हुआ है उसको लेके ठीक है तो यस वीवर्स मैं आपके कनेक्शन को लेके देख रही हूँ आप एक ऐसी एनर्जी में आ गई हो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या एक्शन हूँ आपने एक्शन ऑलरेडी एक ले तो लिया है ऐसा कुछ नज़र आ रहा है दूसरे आप दूसरे एक्शन की आप यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है मतलब एक देख रहे हो कि सामने वाले से कोई काउंटर आए तो आप कुछ एक्शन लो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है तो बहुत ही अग्रेसिव एनर्जी कह सकती हूँ यहाँ पे डोमिनेंसी देख देख सकती हो एक हक के लिए फाइट देख सकती हो जो मुझे आप दोनों के बीच में चलती हुई नज़र आ रही है ठीक है तो यही कहीं ना कहीं करी आपको चाहिए अपने कनेक्शन में इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के एफर्ट्स इस व्यक्ति के कॉम्प्रोमाइज इस व्यक्ति का प्यार कह सकती हूँ क्योंकि आप इस व्यक्ति को लेकर कहीं ना कहीं बहुत पजेसिव हो या तो बहुत प्यार करते हो या तो या इस एक्शन को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हो ठीक है ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है और लाइट भी वस्तो ऐसा कुछ है तो मुझे जरूर बताएगा क्योंकि एनर्जीज यही दिखाई दे रही है कि आपने इस व्यक्ति की नींदें उड़ा रखी है ये रातों में चैन चा, से सो नहीं पाते हैं बहुत बहुत ओवरनाइट लेट थिंकिंग करते हैं टेंशन बहुत रहती है इवन दो सुबह सो के भी उठते हैं तो भी इस व्यक्ति के दिमाग में टेंशन ही चल रही होती है इसके इस व्यक्ति के कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं वीवर्स अगर फैमिलीज की बात करूं अगर अदर देन यू तो उस फैमिली में भी टेंशन चल रही है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और ये उनके साथ में भी एक तरह का जो तालमेल होता है ना वो नहीं बिठा पा रहे हैं प्रॉब्लम इनको पता क्या लग रहा है अब ये फंस गए अब ये ट्रैप हो गए तो ना ये इधर के हैं ना ये उधर के हैं ना ये चीजें बैलेंस कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं वीवर्स ऐसा भी डर हो रहा है देखो यहाँ पे क्या एनर्जी एक और आ रही है क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस भी आने वाला है इस व्यक्ति को ऐसा भी डर लग रहा है आपकी वजह से हो सकता है भाई कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए जॉब को लेके इशू ना क्रिएट हो जाए कहीं अपनी जॉब ना खो दे ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि एनर्जीज यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कुछ ले दे के मामला सेटल करना चाहते हैं आपके साथ में ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे है क्योंकि इनको डर लग रहा है कि अगर आपने कुछ और बड़ा एक्शन ले लिया तो बात बड़ी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी तो इनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे ये इस व्यक्ति को और कहीं ना कहीं लगता हुआ नज़र आ रहा है ठीक है ऐसा हो सकता है व्यूवर्स कहीं ना कहीं ये एनर्जी जैसे ये व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल आ, हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इस वक्त देखो प्रॉब्लम में तो आप भी हो ऐसा नहीं है कि अगर इंसान कोई फाइट कर रहा है तो वो बड़े मज़े में तो कर नहीं रहा होगा है ना उसकी मजबूरी होगी तभी तो वो इंसान अपने हक़ के लिए फ़ाइट कर रहा है क्योंकि उसके लिए वो ज़रूरी है राइट right? उसके लिए वो जरूरी है क्योंकि उसने उस पर कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उम्मीदें हैं प्यार है जो भी कुछ आप कह सकते हो तो ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई दोनों ही जब कहते हैं ना दोनों ही पार्टी जब युद्ध के मैदान में समझ लो आप हैं खड़ी हुई तो दोनों ही कहीं ना कहीं हारे कुछ हारेगी कुछ जीतेगी लेकिन लॉस तो दोनों तरफ ही है लॉस तो आपका भी आप भी मेंटली कौन सा स्टेबल हो आप मेंटली कौन सा सुकून में हो आपके भी दिमाग में तो बहुत सारी टेंशनें चल रही हैं आपको इस एनर्जी में आना पड़ा तो इसमें इट मीन्स कि आपने कितना कुछ अब इससे पहले बर्दाश्त किया होगा कितना कुछ आपने इससे पहले मतलब इस कनेक्शन के लिए किया होगा इस व्यक्ति के लिए किया होगा क्योंकि इंसान तभी लड़ता है क्योंकि वो लड़ना किसको पसंद है किसी को पसंद नहीं है लड़ना तभी पड़ता है जब सामने वाला आप इंपॉर्टेंस नहीं समझता है या फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा होता है तो यही सब कुछ हुआ है व्यूअर्स व्यक्ति इस व्यक्ति वे, की एनर्जी भी ये कही कहीं ना कहीं आ रही है इस व्यक्ति की लाइफ में आपने इस व्यक्ति को बिल्कुल लटका दिया है अब ये जो भी करेंगे इनको बहुत सोच समझ के करना है लेकिन इनका दिमाग जो काम कर रहा है इस समय वो आपको समझाने के ऊपर है कि वो आपको प्यार से समझा लें ठीक है ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए ये एनर्जी में यहाँ पे नजर आ रहा है चलिए देखते हैं और क्या चाहते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं वो क्या चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वो इस कनेक्शन के लिए वीवर्स के लिए क्या चाहते हैं इनके पर्सन वो इस कनेक्शन के लिए इस मेरे व्यूवर्स के लिए जो रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या चाहते हैं किंग ऑफ कप्स लवर्स पेज ऑफ सोर्ड विवर्स देखो चाहते तो आपके पर्सन यही है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है ठीक है लवर्स की एनर्जी यहाँ पर आई है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो आपके पर्सन आपको यही दिखाना चाहते हैं सबसे पहले तो कि यार वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ठीक है अब आप कहोगे कि इतनी बैटल वाली फील्ड में बैटल ही एनर्जी आपने हमें बताई है कि क्या है स्टिल इस व्यक्ति के मन में ये हो सकता है भाई यही है इस व्यक्ति को यही समझ में आ रहा है इनके पास में कोई और आ, आपने चारा छोड़ा ही नहीं है इनको यही समझ में आ रहा है कि यार ये व्यक्ति अगर मानेगा ना या मेरी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट होगी ना वो सिर्फ प्यार से हो सकती है आपको सिर्फ जीता जा सकता है प्यार से आपको हेकड़ी दिखा के नहीं जीता जा सकता या फिर आपको पैसे को गुरूर दिखा के आपको नहीं जीता जा सकता आप जीत तो आपकी जीत ही आपको जो चाहिए वो कनेक्शन चाहिए इस व्यक्ति को भी पता है इसीलिए ये व्यक्ति व्यूवर्स आपको अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं आपको यही दिखाना चाह रहे हैं आपको यही जताना चाह रहे हैं आपको ये फील कराना चाह रहे हैं कि आई एम स्टिल लव यू मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ या करता हूँ मेरे दिल में तुम ही हो मैं इस कनेक्शन को पहले जैसा देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ में पहले जैसे लाइफ जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ इस तरह के नजेज़ यहाँ पर आ रही है जैसे आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं देखो हमारी हमारी लाइफ में क्या हो चुका है क्या कुछ हो चुका है जस्ट ये व्यक्ति यहाँ पे कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो चल रहा है उसको कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं क्योंकि इस व्यक्ति को विवर्ष ये चीजें समझ में आ गई है कि जैसा ये आपके साथ में डील कर रहे थे जैसा आपके साथ में ये ट्रीट कर रहे थे वो आपके लिए सही नहीं है क्योंकि आपका इस एनर्जी में आना इनके लिए शॉकिंग है राइट right? तो ये व्यक्ति व्यवर्स इस समय कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि भाई अपनी लाइफ में इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सर्किल जो है कर्मा का वो बदल चुका है हालात बदल चुके हैं आप पहले जैसे नहीं रहे आप पहले जैसे व्यक्ति नहीं रहे हो जो हर बात को चुपचाप मान ले और उसके लिए कुछ कहे भी ना ने आपने कहना शुरू कर दिया आपने बोलना शुरू कर दिया आपने अपने हक के लिए तलवार उठाना शुरू कर दिया है तो जब आपने शुरू करा व्यूवर्स तलवार का मतलब होता है कि भाई कोई एक्शन लेना ठीक है तो वही है व्यवर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि ये व्यक्ति बिना अपना ये हक लिए मानेगा तो है नहीं या मानेगी तो है नहीं तो इसीलिए वो आपके पर्सन आपको प्यार दिखा के या फिर इमोशनल करके आपके साथ में चीजें सॉर्ट आउट करने के बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं सो so, सोलैसी आपके लिए चैनल मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं रीडिंग अगर आपको व्यूवर्स हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें ठीक है कि मतलब हमें भी मोटिवेशन मिलता है हम आपके लिए वीडियोज बनाते हैं तो इससे पटले एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हाँ हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है ये सब सब चीज़ें हो जाती है क्लैरिफाई तो वीवर्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा लैसी आपके लिए आपके पर्सन जो है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं सो so, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन कह रहे हैं कि आप मुझे अभी भी अच्छे लगते हो ठीक है अभी भी अच्छे लगते हो मैंने यही कार्ड लिया क्योंकि यही कार्ड मेरी निगाह सबसे पहले गई प्लीज यूनिवर्स बताएं और क्या है उस व्यक्ति के मन में ओके आप उनको हमेशा याद आ रहे हो बार 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 ठीक है आप उनको जैसे कोई बात याद करवा रहे हो याद वैसी वाली नहीं है जैसे आपने इनको कुछ बोला था ये उस बात को बार बार रिमाइंड कर रहे हैं कि यार हा उसने ये वाली बात बोली थी देखो ऐसा कर देगी वो ऐसा कर देगी उसने ऐसा कर दिया ये एनर्जी है आप देखो सामने वाली है जो पार्टी है विवर्स आपकी वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ऐसा नज़र आ रहा है आप सिर्फ एक ही चीज़ को कंसन कंसिडर मत किया करो कि सामने वाला मेल ही हो सकता है मेरा जो बोलने का मुझे सही लगता है उस जोन में जाके मैं बोलती हूँ सामने वाला फीमेल भी हो सकती है या हो सकता है ठीक है जैसे भी हो आई कैन स्टिल फील यू आपके पर्सन आपको अभी भी फील कर सकते हैं यानी अपने आस अपनी लाइफ में आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड तो आपके पर्सन अगर आपको कुछ कहा है क्योंकि सबसे पहले स्थिति हमारे पास जो आई थी वो आर्ग्यूमेंट की आई थी तो जो भी अगर आप और आपके पर्सन के बीच में हुई हैं बातें वो अगर आपके पर्सन ने आपको किसी तरह से कोई हिट किया है ट्रिगर किया है तो आपके पर्सन कह रहे हैं उसके लिए सॉरी ठीक है काश मैंने वो ना कहा होता आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो आपके पर्सन कह रहे हैं कि जो भी कुछ इस समय हो रहा है इस कनेक्शन में चल रहा है उससे आपके पर्सन बहुत इफेक्ट हो रहे हैं इवन दो आपको इस समय अंदाज़ा तक नहीं है कि आपके पर्सन के ऊपर क्या गुजर रही है आई फील सेफर इन साइलेंस अभी आपके पर्सन इस समय कोई भी आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इस समय ना ही बोलो तो ज़्यादा अच्छा पता नहीं कुछ और मुंह से गलत बात निकल गई तो पता नहीं अब ये क्या करेगा ये क्या करेगी ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है ओके okay, तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ के एनर्जीज अगर आपको इस हेडिंग से मिली हो क्लैरिटी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पर्सनल रेडिंग अगर आप चाहते हैं तो बुक करवा सकते हैं रीडिंग के जो नंबर है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है फ़ोन नंबर लेकिन ध्यान दीजिएगा व्हाट्सअप मैसेज करिए ज़्यादा ईजी रहता है हमारे लिए रिप्लाई करना क्योंकि हम सारे कॉल को अटेंड नहीं कर पाते हैं ठीक है तो जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग होगी आपको चार्जेस वगैरह इस नंबर पे मिल जाएंगे क्योंकि वो अलग होते हैं हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं एज़ पर टाइमिंग एज़ पर जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग एक प्राइस सबके लिए नहीं हो सकता इस बात का ध्यान रखिएगा इसीलिए हम यूट्यूब पर रिवील नहीं करते प्राइजेस ठीक है नहीं है थोड़ी ये इशू हो जाता है तो ये थी रीडिंग विवर्स आपके लिए बाय टेक केयर